ओहो जरा धीरे चलो, देखो मैं पीछे रह गई। साथ चलना हो तो कदम मिलाकर चलो, हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे। चोरी तो सूर्यवंशी ठाकरों की दिखे है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते हुए यहीं रुके थे। उनके यहाँ आने से रेगिस्तान में फूल खिल। गोली चलाओ तो एक की जान लेने के लिए नहीं, 50 जाने बचाने। हे गाइस वेलकम टू अपने भाई का व्लॉग। तो गाइस ये है गुलामी शूटिंग लोकेशन का नेक्स्ट पार्ट। गाइस हमारे चैनल पे वो पार्ट वाइज इस मूवी की वो सीरीज चल रही है। तो गाइस आपने गुलामी फिल्म देखी हो तो फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन आते हैं, धर्मेंद्र साहब और सुमित्रा पाटिल एक रास्ते से आते रहते हैं। गाइस बेसिकली वो यही रास्ता है, उसके बाद वो एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, फिर वहाँ पे वो डाकू आते हैं और उनके वो थोड़ा फाइट का सीन होता है। तो गाइस वो सारे सीन वो यहीं से शूट किए गए, और धर्मेंद्र साहब और सुमित्रा पाटिल वो इसी रास्ते से आते हैं। गाइस तो मैं आपको वो सारे सीन दिखाता हूँ। और गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसमें के लिए एक लाइक, और आप चैनल पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज गुलामी फिल्म के अंदर धर्मेंद्र और जो स्मिता पाटिल बेसिकली स्कूल से पढ़ाने के बाद एक जिस रास्ते से लौटते हैं, ये गाइज बेसिकली वही रास्ता है। इसी रास्ते से और रणजीत और सुमित्रा स्कूल से पढ़ाने के बाद लौटते हैं, और फिर आगे बद्रीनारायण भगवान का एक मंदिर है, वहाँ पे जाके वो बैठते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे वो डाकू सूरजबान और उसके गिरोह के आदमी आते हैं, तो उनके बीच में कुछ फाइट का सीन होता है। लेकिन गाइस स्कूल से पढ़ाने के बाद बेसिकली सुमित्रा और रणजीत लौटते हैं, वो गाइस बेसिकली यही रास्ता है। तो अभी गाइस स्क्रीन शॉट की मदद से मैं गाइस आपको एक एक सीन मैच करवाने वाला हूँ। तो गाइज फिल्म के एक सीन में जब सुमित्रा और रणजीत स्कूल से पढ़ाकर लौट रहे होते हैं, तो जो सुमित्रा होती है वो बेसिकली गाइज पीछे रह जाती है। तो वो धर्मेंद्र साहब से बोलते हैं कि थोड़ा धीरे चलो बाबा, मैं पीछे रह गई। तो धर्मेंद्र साहब वो यहाँ पे एक डायलॉग मारते हैं कि अगर साथ चलना हो तो कदम से कदम मिलाकर चलो, हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे। तो गाइज ऐसा कुछ इस प्रकार का यहाँ पर डायलॉग रहता है धर्मेंद्र साहब का। तो गाइज आप बेसिकली सीन में क्या मैच करने वाले हो, आप ये गाइज वो बड़ी गुंबज का नज़ारा देख रहे हो, ये मैच कर सकते हो। ये बेसिकली गाइज दीवार है ना, वो बेसिकली अभी ये झाड़ जड़ों के यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत उग गए, क्योंकि 36 साल पुरानी बात है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, और ये झाड़ जड़ों की मुझे से ये दीवार साफ नहीं दिख रही। लेकिन बेसिकली आप ये गुंबज का नज़ारा परफेक्ट मैच कर सकते हो। उसके अलावा ये छोटी गुंबज दिख रही है पीछे, वो गाइज थोड़ी सी आगे वहाँ पर मोड़ घुमाव सा है। अभी मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे आओ परफेक्ट मैच कर सकते हो ये छोटे गुंबज और बड़े गुंबज का दोनों का नज़ारा। तो गाइस आपने गुलामी फिल्म देखी हो तो फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन आते हैं जो रणजीत और सुमित्रा होते हैं वो एक जगह मंदिर में बैठ के मिलने जाते हैं, और वहाँ पे वो डाकू सूरजबान आता है। तो गाइस फाइनली वो आज उसी लोकेशन में पहुँच चुके हैं। तो गाइस ये है श्री बद्रीनारायण भगवान का मंदिर, जो कि राम गोपाल गनेडीवाल ने बनवाया था, और उनकी यहाँ पर प्रतिमा भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये है श्री राम गोपाल जी गनेडीवाल की प्रतिमा है, ये इन्होंने ही है वो इस मंदिर का निर्माण कराया था। गाइस देखो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अभी गाइस मंदिर के ऊपर चल के आपको सारे नज़ारे दिखाते हैं, और आगे आगे यहाँ पे देखो श्री गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, तो अभी आगे चल रहे हैं आपको दिखाते हैं सारे सीन। तो गाइस ये है भगवान बद्रीनारायण का मंदिर, जो कि फतेहपुर सेकावाटी में स्थित है। यहाँ पे देखो श्री गनेडीवाल जी की प्रतिमा बनी हुई है, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था, और देखो कितनी पुरानी अद्भुत कलाकृतियों से चित्रित है। इधर हो गाइस राजस्थानी भाषा में अपनी मारवाड़ी में वो इस जिस जो इस मंदिर का इतिहास वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस साइड में भी है। तो गाइस ये आपको बता दूँ ये लोकेशन, ये जगह है वो बेसिकली राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर सेकावाटी में, जो क्षत्रिय स्टैंड के नाम से प्रसिद्ध है। बेसिकली ये वही जगह है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे वो गाइस गुलामी फिल्म की शूटिंग हुई है, आप गाइस शूटिंग देखें या ना देखें, लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम यहाँ पे 3 बजे पहुँचे, और बेसिकली मंदिर है वो 5 बजे बाद खुलेगा गाइस। तो ये मंदिर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। तो और अभी आपको गाइस ऊपर लेके चलता हूँ मैं। तो गाइस बद्रीनारायण भगवान के मंदिर के ऊपर से कुछ इस प्रकार का नज़ारा, देखो कितनी खूबसूरत और कितनी अद्भुत यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं गाइस। देखो उस टाइम की ये कम से कम 200 साल पुरानी छतरियाँ गाइस यहाँ पे हो गाइस गुलामी फिल्म की बेसिकली शूटिंग हुई है। लेकिन उससे पहले आप एक बार इस मंदिर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत मंदिर है, और इनकी छतरियाँ देखो गाइस।
कितना खूबसूरत मंदिर है गाइस। बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दूँगी, ये लोकेशन है राजस्थान के सीकर ज़िले में फतेहपुर से कावाटी में, जो बस स्टैंड है छतरियों का बस स्टैंड। बेसिकली गाइस ये बद्रीनारायण भगवान का मंदिर यहीं पर स्थित है। आप एक बार जब कभी फतेहपुर से कावाटी आएँ तो गाइस भाई की रिक्वेस्ट पे है वो एक बार इस मंदिर में विजिट ज़रूर करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस मंदिर में आने के बाद। तो ये छतरियों का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है देखिए। तो अभी गाइस जो फिल्म के सीन शूट हुए थे वो अभी आपको मैं सारे मैच करवाता हूँ यहाँ से। तो गाइस फिल्म का एक सीन वो यहाँ से दिखाया गया है, जो सुमित्रा और रंजीत होते हैं वो बेसिकली इसी मंदिर में आके बैठते हैं। तो जो स्मिता पाटिल होती है वो धर्मेंद्र साहब से बोलती है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो द्वारका जाने से पहले इस मंदिर में वो एक रात रुकते हैं। तो वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की उनकी यहाँ पे बातें होती है। तो आप इस सीन में गाइस क्या क्या मैच करने वाले हो, आप सीन में ये जो ये देख रहे हो ये गुंबज का नज़ारा, ये परफेक्ट आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। और ये पास में ये बड़ी वाली गुंबज का छोटा नज़ारा दिख रहा है, ये भी आप यहाँ पे परफेक्ट आओ मैच कर सकते हो। तो गाइस वो सीन है बेसिकली इन दो गुंबज के बीच में से दिखाया गया था, आप परफेक्ट मैच कर सकते हो। गाइस आज ये छतरियाँ वीरान पड़ी हैं, लेकिन कभी एक वक्त था जब इनमें धर्मेंद्र साहब और स्मिता पाटिल बैठे थे साथ में। उसके बाद हो गया इस फिल्म के एक सीन में, जब धर्मेंद्र साहब और स्मिता पाटिल बैठे रहते हैं तो यहाँ पे वो डाकू सूरजबान की एंट्री होती है और उसके साथ उसके गिरोह के कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। तो धर्मेंद्र साहब उनसे पूछते हैं कौन हो आप, तुम्हें क्या चाहिए। तो डाकू सूरजबान बोलता है कि जो ये इस लड़की के गले में हार अटक रहा है वो हार दे दे मुझे। तो ये बोलते हैं आप तुम कौन हो, ऐसा कुछ करके इनके बीच में थोड़ी फाइट होती है, लड़ाई का सीन होता है। उसके बाद गाइस डाकू सूरजबान का एक आदमी है वो स्मिता पाटिल के जो गले में हार रहता है वो लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो धर्मेंद्र साहब हाथ में बंदूक लेके बोलता है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो डाकू सूरजबान उनसे पूछता है कि तुम हो कौन। तो धर्मेंद्र साहब बताते हैं कि मैं एक मास्टर हूँ। तो यहाँ पे आओ, डाकू सूरजबान एक डायलॉग मारते हैं कि हमने ज़िंदगी में केवल दो ही लोगों की इज्जत की, एक तो माता पिता और दूसरा गुरु। तो यहाँ पे उनके बीच कुछ ऐसा इमोशनल यहाँ पे सीन होता है। डाकू सूरजबान को एक वो बुक दे देते हैं हाथ में। तो गाइज वो सारे सीन है बेसिकली यहीं से इन छतरियों से शूट किए गए। तो आप गए जमीन में क्या मैच करने वाले हो, तो अभी गाइज ये सामने जो ये गुंबज दिख रही है आपको बड़ी वाली, इसकी जो ये तीन लगे हुए ऊपर ये लोहे के ये गुंबज के ऊपर, ये आप परफेक्ट मैच कर सकते हो। उसके अलावा ये आप गुंबज का नज़ारा मैच कर सकते हो। उसके अलावा एक जगह और भी आपको मैं परफेक्ट मैच करवाता हूँ गाइज। वो बेसिकली जो सीन है ना वो गाइज बेसिकली इन्हीं छतरियों में से लिया गया। यहाँ पे बहुत सारी छतरियाँ हैं, सेम कलर की सारी छतरियाँ हैं, लेकिन गाइज जो परफेक्ट सीन है बेसिकली यहीं से लिया गया, आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। गाइज फिल्म के एक सीन में जो डाकू सूरजबान और धर्मेंद्र साहब के बीच में यहाँ पे बातचीत होती रहती है, उस टाइम पे देखो स्मिता पाटिल वो यहाँ से गाइज बेसिकली देखो छिपके देखती रहती है। तो ये सीन आप परफेक्ट हो यहाँ पे गाइज मैच कर सकते हो स्क्रीनशॉट की मदद से। उसके बाद हो गाइज फिल्म के एक सीन में धर्मेंद्र साहब और डाकू सूरजबान के सामने अपने हाथ में बंदूक लिए खड़े रहते हैं ना गाइज, वो बेसिकली यही गुंबज है आप देख सकते हो परफेक्ट, और इसी गुंबज के सामने वो खड़े रहते हैं अपने हाथ में बंदूक लिए, और पीछे वो स्मिता पाटिल छिपके इनको देखती रहती है दोनों गुंबजों के बीच में। आप यहाँ पे परफेक्ट मैच कर सकते हो। अभी गाइज है ना इस सीन में आपको परफेक्ट मैच करवा के दिखाता हूँ, आप जो ये दो तोते टाइप में बने हुए देख रहे हो ये आप यहाँ पे परफेक्ट मैच कर सकते हो पीछे इस जो ये छतरी बनी हुई है इसमें, और पीछे वो गाइज देखो यहाँ पे स्मिता पाटिल छिपी रहती हैं। तो गाइज बेसिकली फिल्म का वो सीन है गाइज यहाँ पे परफेक्ट शूट किया गया था। तो गाइज ये वो मंदिर है भगवान बद्रीनारायण का, जहाँ से गुलामी फिल्म के जितने भी सीन शूट किए हुए थे वो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। तो आई होप कि गाइज जो आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा जिसमें अंत के लिए एक लाइक, और चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब। और गाइज आप फतेहपुर से कावाटी में जब कभी भी आएँ तो इस भगवान बद्रीनारायण के मंदिर के दर्शन ज़रूर करके जाएँ, चाहे आप फिल्म शूटिंग लोकेशन देखें या ना देखें। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।